हे भगवान भाई, ना गोबर से बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो वैसे कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई हम भी ठीक हैं। कल हम भाई आ गए थे मटकुली वापसी ऊपर से नीचे की तरफ, और अभी हम जा रहे हैं तामिया की तरफ। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर जाएंगे। तो सुबह सुबह निकल गए थे भाई लगभग 10:15 बजे, और अभी हम रास्ते में रुके थे, वीडियो वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सेम जगह थी। तो अभी रास्ते में स्टार्ट कर रहे हैं, रुके हैं, एक मंदिर था यहाँ पे सामने की तरफ, तो मंदिर को अपनी साइकिल पार्क करी क्योंकि चले हुए लगभग आधे पौना घंटा हो गया। मैंने कहा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आपको अपडेट देना भी जरूरी है ना। तो भाई जा रहे हैं और पीछे की तरफ देखो खेत पहाड़ भाई, एरिया तो अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है, नंबर वन। ये मंदिर इधर भी है। बट यार गर्मी जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छी वाली गर्मी है दिन के टाइम, और रात में ना मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है, कोजी कोजी सा हो जाता है। बट सही है, दिन में गर्मी लगती है यार, रास्ते में ना तकलीफ होती है गर्मी के टाइम चलने में। ठंडा मौसम वैसे हम जिस तरफ जा रहे हैं ना आगे ठंडा नहीं मिलने वाला, बट हम रास्ते में जो जा रहे हैं चीज़ें जो आएगी बीच में ना वो आपको सारी कवर करते हुए जाएंगे, सारी दिखाते हुए जाएंगे, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, चलते हैं अपना सफर स्टार्ट करते हैं। जय भोले, जय शंकर, मम्मी ध्यान रखना, रक्षा करना। तो गाइस ये है जिरपा गाँव, छोटी सी मार्केट भी थी, और यहाँ क्या ना गाँव देखो ना आप, घरों के मतलब जो बने बनावट है देखो, अलग सी बनावट है। तो काफ़ी सही मतलब पुराने टाइप के जो बोलते हैं ना वैसे लोग रहना पसंद करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब पुराने घर हैं, लोग पुराने कल्चर को अपने को लेके चल रहे हैं। और अभी तो भाई डाउन आ गया, देखो सीधे बगी जा रही है, रुकने का मन है बट रुक नहीं पा रहे क्योंकि डाउन आता है तो भगाने का मन करता है। आगे कोई गाँव आएगा वहाँ ज़रूर रुकेंगे, तो वहाँ के बारे में आपको बताएंगे और कल्चर दिखाएंगे थोड़ा बहुत यार गाँव का, आपको क्या है कल्चर दिखाना जरूरी है। ऐसे सड़क सड़क जाएंगे नहीं, रुकेंगे वहाँ का बताएंगे किस तरीके से रहते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, तो सारा कुछ बताएंगे। आज का दिन अपना मेन इसी पर रहेगा। गाइस फिर से ना देखो जंगली जंगल आ गया है, हमें लगा था कि आज तो रास्ते में गांव वगैरह पड़ेंगे बट फिर से ऐसा रास्ता आ गया, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ हम दो ही जने चले जा रहे हैं। मैं चल रहा हूँ और अपना दोस्त देखो पीछे की तरफ आ रहे हैं। भाई ऐसे जंगल रहे ना अब तो मूड ख़राब हो जाएगा, तो कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, सिर्फ जंगल है, धूप है, पेड़ पौधे हैं और कुछ नहीं, और गर्मी इतनी एक्सट्रीम वाली है ना, ऐसे में चलना देखो यार क्या करें। सोच के निकले थे आज कुछ गाँव वगैरह आएंगे तो गाँव में जाएंगे, देखेंगे उनसे मिलेंगे, बट यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, देख रहे हो सिर्फ यही है, और बंदर हैं, लंगूर हैं और कुछ नहीं है। अप्स एंड डाउन भाई यही चल रहा है, कभी पहाड़ी पे चढ़ना कभी पहाड़ी पे उतरना, सिर्फ ओनली यही है। भाई सोचे थे जंगल ख़त्म होगा बट नहीं, ये जंगल ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक घर मिला भाई जंगल के बीच में, देखो आंटी जी थे तो भाई पान लेने के लिए दीपू को भेजा, दीपू गए तो भाई पूरा जंगल ही जंगल है, देखो क्या करें, बुरा हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा, पानी 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 पानी, ये जंगल ख़त्म नहीं हो रहा यार। हमें नहीं पता था इतना लंबा चौड़ा जंगल होगा, मेरे को लग रहा है अगले 2-3 दिन भी हमें जंगल के अंदर रहना पड़ेगा। पसीने पसीने आ रहे हैं भाई, थके जा रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा, बस गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ खाली गाड़ियाँ, मतलब क्राउड है क्योंकि अभी भोलेनाथ की यात्रा चल रही है ना ऊपर, इसलिए। बाकी यार आंटी वो लेने गया भाई पानी, आंटी जी से पानी लेके आता है, उसके बाद आगे निकलता है भाई, बुरा हाल हो जाएगा वरना थक रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, पसीने पसीने देखो गले में कैसे आ रखें। भाई लेके आया पानी तो अभी पानी पीते हैं यार, बिना पानी के तो ना कुछ भी नहीं है, और मेरे को प्यास लग भी बहुत ज़्यादा रही है, पानी पीते रहना चाहिए, बिना पानी की दिक्कत हो जाती है यार। और बना ले यार भर देगी आंटी जी यार, कुछ नहीं आंटी जी थोड़ा और भर दोगे तो पी लिया हमने, भर देंगे भर देंगे भाई, तू बोलना यार। अरे इसको दोनों ढकन इसको पकड़ना, मैं इसको इसको इसमें डाल लूं फिर इसको पानी पौधा ले भाई, पानी है ना इसलिए कर रहे हैं कि वो खाली हुई, ये भी खाली हुई है, एक में कर रहे हैं, कहीं यार गांव मिला ही नहीं कहीं रास्ते में तो कहाँ जाएंगे। अरे यार थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा गाइस, पानी भरवा के भी रख लिया है। और जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है ना, अगर कहीं जंगलों में आप जाते हो तो पानी यार पर्याप्त मात्रा में रखना, वरना दिक्कत हो सकती है, पानी के बिना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पे। सिर्फ जंगलों में आप फंस जाओगे ना भाई, जंगलों में फंस जाओगे ना तो बिना पानी के आपको नुकसान भी हो सकता है यार, आपको कुछ भी हो सकता है यार बिना पानी के ना, तो पानी भर के रखो। दोनों भाइयों ने भर के रखा और ज़्यादा दूरी पर भी चल रहे हैं, 50 मीटर की दूरी पर आगे पीछे चल रहे हैं, आवाज़ मार रहे हैं ना सुनाई दे जाती है, इतने साथ में चलो। शुक्र है भाई हम दो जने हैं, अकेला होता ना मैं तो मेरा बुरा हाल हो जाता, अकेले होते ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तो मेरे को लग रहा है आज तकलीफ होगी भी भाई जंगल में, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वहाँ परसों गए थे ना वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही थी, यहाँ तो गाड़ियाँ कम चल रही है, थोड़ी बहुत है बट इतनी भी नहीं चल रही है, और गाँव नहीं आ रहे यार जल्दी, तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो अभी एक गाँव आया था अंकल जी, गाँव का नाम क्या है इसका? रेनी खेड़ा। ये देखो भाई यहाँ के जो गांव के घर है ना, देखो कैसे ये देखो ऐसे गोबर के बने हुए सारे ना, देखो ये सारे ना गोबर से बने हुए हैं और काफी पुराने टाइप का ऐसा है। देखो ये जो कलर है ना, ये जो आप देख रहे हो ये कलर कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं ये जो कर रहे हैं, छुई
ओके। और ये भाई गोबर से है पूरा ना, और ऊपर की तरफ छत भी देखो कैसी है, मतलब कच्ची टाइप की छत है। और ये इनका अंदर का मकान, ये अंदर वाला मकान भी कच्चा है कि पक्का है? पूरा कच्चा, कच्चा। पूरा कच्चा है। अच्छा, आप गोबर से अभी कर भी रहे ना काम? हाँ, जो गोबर। ओके, तो ये आंटी जी हैं यहाँ पे भाई, देख लो इस तरह का कुछ यहाँ के जंगलों में जो घर है ना उनका रहना सहना है। कच्चे कच्चे बने हुए हैं, सारे कच्चे बने हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे बच्चे। ये गोबर से आंटी जी अभी 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 किया आपने ना? हाँ जो भाई, लीपो हमें। अभी लीपो, इसको लीपना बोलते हैं ना भाई। ऐसा देखो कुछ पुराने टाइप की टीवी पड़ी है सामने। तो इस तरह से कुछ घर हैं यहाँ पे, इन पे ना कलर भी करके रखते हैं जिससे ना मतलब देखने में थोड़ा आकर्षित लगे ना, है ना। कलर करके रखते हैं रंग वंग जिससे अच्छा लगे देखने में। ऐसा जीवन है। अच्छा, मिट्टी आती है, ओके। गोबर के ऊपर कलर कर देते हो ना, ये मिट्टी आती है ऐसी? ओके ओके। तो ये आंटी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आंटी औरों की इनकी यहाँ की जो भाषा है वो थोड़ी अलग है, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्गे भी पाल रखे हैं आपने? एक ही है। ये सुबह सुबह उठा देता है ना आपको सोते हुए को? सही है। देखो यार बच्चे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। करो करो कलर करो। शर्मा रहे हैं। सही है भाई, देखो इस तरीके से ना जीवन जी रहे हैं यहाँ पे ना, पूरा जंगल ही आंटी चारों तरफ है ना। हाँ। जंगल के अंदर भी अपना जीवन जी रहे हैं। काफी यार मतलब अलग देखने को मिला। यहाँ से जा रहे थे, मैंने कहा सड़क सड़क जा रहे हैं, वैसे जंगल था बहुत ज्यादा, परेशान हो रहे थे, पानी वानी की दिक्कत आ रही है, बट फिर भी हम रुके यहाँ पे। गाँव है अभी 10 किलोमीटर के बाद आया गाँव, इधर से 10 किलोमीटर के बाद गांव है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर चले हैं। तो हाँ पूरे में पहाड़ी पहाड़ है। देखो आंटी तो काम पे लग गए अपने। तो इस तरह का भाई कुछ गांव के लोगों का यहाँ के मेहनत और स्ट्रगल रहता है जो ये कर रहे हैं। बट अंदर चलते हैं, अंदर सूखा है ना आंटी, है थोड़ा थोड़ा। ये देखो टीवी, देखो किस टाइम का टीवी है भाई, बुश कंपनी है कोई, अपने को पता भी नहीं है। और ये देखो छत भी ऐसी है आंटी। बारिश में पानी नहीं आ जाता? बारिश में पानी गिरा था। गिरता है? ओहो क्या बात। और चूल्हे की रोटियां बनाते हो आप? हाँ। ये देखो भाई चूल्हा, यहीं की रोटी बना के खाते हैं भाई। एक चीज़ तो है जैसा भी है, मतलब चूल्हे की अगर जो रोटी खाता है ना वो भाई हेल्थी बहुत रहता है। मतलब अपन तो यार गैस वैस की रोटियां खाते हैं, कितने हेल्थी रहते होंगे, बट चूल्हे की रोटी खाते हैं भी ये लोग यहाँ के सब लोग। और आंटी चावल वगैरह तो यहाँ आस पास में आपके होता ही है, खुद की घर का ना, खरीदना नहीं पड़ता आपको ना। तो भाई ऐसा है कुछ इनका जीवन, बाकी कनेक्टेड तो हैं। देखो सड़क वगैरह बनी हुई है, स्टेट हाईवे निकल रही है, फिर भी जो जीवन थोड़ा इनका मुश्किल ही है। तो देखे रुके यार इनका कल्चर थोड़ा देखने को मिला, इनकी भाषा अलग है, मेरे को थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, पर थोड़ी बहुत हिंदी से मैच होती है तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। तो आंटी जी और थे भाई, इनके घर देख पाए हम, तो सही लगा काफ़ी से। अब चलते हैं आगे की तरफ यार, फिर से अपने को तो धूप में चलना है आगे जंगल, अभी गाँव आगे पड़ेंगे रास्ते में। 18 किलोमीटर के बाद आएगा भाई, आज तो जंगलों में फंसने वाला हूँ। तो दोस्तों सारे घर जो यहाँ पे है ना वो ऐसे ही भाई कच्चे कच्चे बने हुए हैं, लोग पशु वगैरह पालते हैं, गाय वगैरह। देखो यार ऐसे ही घर हैं, तो ऐसे में अपना ये जीवन जीते हैं भाई। देखो कचरा भी है ना, देखो इस तरीके से ना स्टोर करके रखते हैं। देखो सामने इसमें ना भूसा वगैरह चारा वगैरह है शायद, ऐसा ही कुछ लग रहा है मेरे को। देखो इस तरीके से मतलब बोरों में कट्टों में बांध के रखते हैं, मतलब काम आता है भाई, गाय वगैरह पालते हैं उसी के लिए जीवन जी रहे हैं। तो यार देखा ना तो पता चला कि अंदर जाके कैसे हैं इनके जीवन, मतलब पुराने टाइम का यार। देखो वही टीवी देख भी रहे हैं ये लोग, और उन्हीं सब साधनों में ये जी पा रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहे। पर देख के ना काफ़ी अलग सा लगा। काफ़ी देर के बाद यार गांव आया था, और गांव कुछ अलग सा दिखा मेरे को, इसलिए मैं रुका। गांव का नाम भी भूल गया भाई, अभी उन्होंने बताया तो था भाई। अभी 18 किलोमीटर और जाना पता तुझे कहाँ? और यही जंगल है 18 किलोमीटर का भाई, मेरे बस की तो है नहीं, मेरी हालत थोड़ी ख़राब भाई, फंस जाएंगे आज तो यार 18 किलोमीटर में ऐसी धूप में। देखो 30 डिग्री टेम्परेचर है भाई, 30 डिग्री टेम्परेचर हम कैसे करेंगे यार हम? हाँ बहुत बुरा हाल है, अभी से ऐसा हाल और रखा है, बहुत बुरा हाल है भाई। 18 किलोमीटर ऐसे चलना, मैं आया फटाफट भाई को बताया मैं, भाई चलता रहा रुक मत, अगर रुक गए ना रात हो जाएगी तो जंगल में फंस जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओ भाई एक्सट्रीम, भाई एक्सट्रीम चढ़ाई आ रही है, पसीने देखो मेरे, बुरा हाल हो गया भाई, बुरा हाल, पूरा एकदम बनियान पूरी गीली हो चुकी है अंदर से पूरी, पसीने पसीने और कुछ नहीं भाई, आंखों पे पसीना लग गया, आगे कुछ दिख भी नहीं रहा है। हाँ देखो ऐसे डाउन चढ़ के आ रहे हैं एकदम पूरी,
ओह बुरा हाल है भाई, रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, नहीं रुकेंगे बुरा हाल हो जाएगा भाई। हो हाँ, हे भगवान भाई, क्या हाल है तेरा, कुछ ठीक है तू हैं भाई? हो भाई, टेम्परेचर 32-33 पहुँच गया, 30 था, बुरा हाल भाई, पसीने पसीने एकदम बुरा हाल, खत्म ही बुरा हाल, गर्मी ने ऐसे ही कर रखे भाई, गर्मी की वजह से ना ज़्यादा थक रहे हैं। ओह रेस्ट कर करके चल रहे हैं भाई। गाइस बंदर देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा आए हैं, ये देखो सड़कों के बीच में बैठे हैं, ये देखो, अरे भाई देख रहे हो, इस तरफ भी है भाई, दोनों तरफ। जय बजरंगबली, बजरंगबली जय भाई, बहुत ज़्यादा बंदर आए सर, बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी एक भाई लोग मिले थे, आप कहाँ सर, नागपुर से? नागपुर से सब लोग। ओके जी, नागपुर आएंगे आपसे मिलेंगे जरूर, नंबर। हाँ हाँ जरूर सर, हाँ जी जरूर सर जरूर। भाई इन्होंने रोका, हाँ ये रुके उतनी देर में भाई, ये देखो सामने बंदरों ने कितना घेर लिया, देख रहे हो, ये पीछे पीछे आगे जो भी आपको दिखाते ना, वही वाले बंदर सारे आ गए थे, पक्के हैं इतने सारे। मैं डर गया था, मैंने कहा भैया और उन्हें रोका है, बंदर क्यों आ गए, उनकी गाड़ी पे भी चढ़ रहे थे ये बंदर। क्या चीज़ बेच रहे हो भाई जी? पेड़े 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 काय के पेड़े दिखाना, कितने का दे रहे हो? हाँ जी 15 रुपये का। किसके लिए? बंदरों के लिए? अरे आपके लिए। बंदरों के नहीं, 15 का एक है जी। तो आपका घर वगैरह किधर है यहाँ पे, मतलब इतनी दूर आके बेच रहे हो घर से? यहाँ से 7 किलोमीटर। अच्छा 7 किलोमीटर से यहाँ के, मतलब खाने के लिए रस्तों में। ऐसा क्या चीज़ है इसमें? मावा है। मावा के बने क्या? मावा के बने हुए। अच्छा 15 का एक है जी। तो भाई एक पेड़ा लिया है, मतलब बड़ा नरम सा है, खा के देखते हैं कैसा है, टेस्ट बताते हैं आपको। इसमें आधे तोड़ ले, आधे तोड़ ले, खा ले, नहीं खाएगा है तो ठीक यार। इतनी दूर आके क्यों बेचते हो, मतलब अपने गांव में नहीं बेचे? गांव में कौन खरीदेगा? अच्छा यहाँ पे खरीद लेते हैं क्या लोग? तो भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, देख लो। अच्छा ठीक है यार, पेड़ा सही बना रहे हो, बट गीला ज़्यादा थोड़ा सा, नरम ही रहता है ना भाई। लो जी खा के नके कर दिया, और भाई लोगों का 10 रुपये की बोनी भी करा दिया यार। मैंने कहा रुके हैं, सिर्फ वीडियो नहीं बना के जाएंगे, खा के भी जाएंगे। ये भाई इतनी मेहनत देखो, 10-15 पेड़ लेके आए हैं, और इनका भाई यहाँ पे ना एक भी दुकान नहीं है, तो इनका पता है कि यहाँ पे लोग खरीद लेंगे तो रोजगार चल जाएगा, नहीं भैया जी? तो बहुत सही यार, अच्छा बना रखा है पेड़ा, थैंक यू, वेलकम। तो भाई अभी देखो अकेला था मैं, ये भाई देखो यहाँ पे पेड़े बेचने आया था, बोला थोड़ी देर आगे छोड़ दो, मैंने कहा ठीक है आपको भी आगे छोड़ देते हैं कुछ दूर यार, धीरे धीरे पैडल मार लेंगे, कोई नहीं थके हुए तो हैं हम भी, बट यार देखो ना कितने छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे, मतलब आ रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं करते? करते हैं। तो ऐसे पेड़े वेड़े बेचने आए हो, कब पढ़ाई करते हो फिर? करती है। पैर आगे रखो थोड़ा सा, चलो भाई थोड़ी दूर के लिए ये भी कर देते हैं यार, बच्चे कहाँ पैदल जाएंगे, पेड़े बेचने आ रखे थे, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ के लोग। तो भाई ये देख रहे हो अब जाके एक गांव आया, लगभग 15-20 किलोमीटर चल गए हम तब जाके, बट हाँ धीरे धीरे पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, रास्ते में पानी मिल गया था यार, हम डर रहे थे भाई पानी नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली पानी मिल गया था, बट आज चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। ये भाई इस तरह के साइड में मतलब बने हुए हैं, बस एक ही दो घर ही हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है गाँव, देखो सामने भी 2-3 घर हैं, और इस तरफ में साइड साइड में ही घर हैं खाली, पीछे की तरफ इनमें भी जंगल है। वैसा है कि आगे एक ही 2-2 किलोमीटर पे ना गांव रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, और होटल वगैरह ढाबे वगैरह आते रहेंगे तो ठीक है, पूरे दिन का आज खाना भी नहीं हुआ, अभी खाना खाएंगे कहीं रुकेंगे तो। तो भाई हम पहुँच गए थे डेला खाली, तामिया से लगभग 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से तामिया। तो भैया मिले थे पुनीत भैया, जो कि हैं डॉक्टर हैं भैया जी, इनके यहाँ पे आए थे, तो अपने को कॉन्टेक्ट हो गया था पहले से ही, संघ के कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, और एक भैया अपने साथ है, वो भी अपना नाम क्या था? शिवम सोनी। तो इनके पास आए हैं, इनसे मिले हैं, भैया बोले कि यार खाना खा के तो जाओ, वैसे जाना तो आगे था, मैंने कहा नहीं खाते हैं, पर बोले कि यार खाना खा लो, तो अभी होटल में लेके आ गए हैं, रेस्टोरेंट में अपन यहीं पे खाना खा रहे हैं, और यहाँ से आगे निकलना है, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और भैया ने तो यार बड़ा मान सम्मान दिया, थैंक यू, धन्यवाद भैया जी, सेवा। हमें ना MP में आने के बाद इतनी सेवा मिली जितनी तो हमें जिस स्टेट से हम बिलोंग करते ना वहाँ भी नहीं मिली, सच बताऊँ सीरियसली, इतनी दूर आए हैं। आपका प्रेम है जो बोल रहा है? नहीं प्रेम देखो, प्रेम तभी होगा ना जब हम जाएंगे, अपने को प्रेम मिलेगा आगे से, नहीं गलत बात नहीं है ना, तो सही में थैंक यू MP का तो हम यार कभी भूल नहीं पाएंगे, धन्यवाद आप सभी का, और जो भी आप हमें MP से मिले हो ना उन सबका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया। चलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम जी, दोबारा से जय श्री राम। चलिए ठीक है भाई जी, और देवे। हाँ हाँ जरूर आएंगे, टेंशन मतलब आप इतना कह रहे हो तो फिर से मैं पक्का दूंगा सेवा का मौका आपको, जरूर देंगे भाई, जिन्होंने एक बार बोल दिया ना मन से कि सेवा का मौका दो, फिर से आएंगे, पक्का आएंगे, जरूर आएंगे, ये भारत यात्रा हमारी पूरी हो जाए। चलिए चलते हैं आगे, कहीं पे रुकने का देखेंगे, तामिया तो हम नहीं पहुंच पाएंगे आज, तो जहां रुकते हैं वहां का अपडेट आपको देते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 7, और हम पहुंचे थे भाई डेला खेरी से ना 7-8 किलोमीटर आगे की तरफ आगे थे, तो भाई हमने सोचा यहाँ पे ना एक टोल नाका है तो वहां पे रुक जाएंगे, बट टोल नाका पे व्यवस्था हुई नहीं, तो यहां से ना एक जगह है जहां पे हम रुके हुए, देखो आपको
आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा अपनी प्यारी और भाई की साइकिल खड़ी है यहाँ पे। भाई टेंट लगा रहे हैं, ये है भाई, ये है गाइस रैन बसेरा, जो कि यात्री जाते हैं ना अभी यात्रा करने भोलेनाथ की चौरागढ़, तो वहाँ के लिए रैन बसेरा बना हुआ है कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे भाई अभी हम रुक रहे हैं, यहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाएंगे और नाइट स्टे जो है अपना यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे चौक भी है भाई, चौक बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, अपना खाने पीने की सारी कुछ व्यवस्था हो जाएगी, दुकान वकान भी है, ढाबे वगैरह भी है और ऑन रोड है भाई, चलती हुई रोड है, तो आराम से यहीं पर रुकेंगे। सामने की तरफ ज़्यादा चौरागढ़ जो हम गए नहीं महादेव उधर, और ये रास्ते से हम आए हैं सामने वाले रास्ते से, तो सही है भाई यहीं पर स्टे कर रहे हैं आज, तो अपना टेंट वेंट लगा लेते हैं। तो भाई लग चुका है अपना टेंट आज, भाई अपना वाला टेंट लगाया, भाई वाला टेंट नहीं है। देखो भाई अंदर अपना सामान वामान खोला गया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खोला है बट फिर भी इतना बहुत है, इनफ है। बाकी साइकिल वगैरह ना हमने सामने की तरफ ही पार्क करी है, देखो सामने लगी हुई है ना। और ये बैठा भाई अपना लौंडा, लौंडे भाई, करते हैं अब अपना सामान वामान सारा ठीक और करते हैं भाई वीडियो का एंड। तो गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देखे, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, देख तो लो कितने कितने पहाड़ चढ़ रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो, अच्छा लगेगा हमें, मोटिवेट होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, बाय बाय। बाय करता मैं बट लाइट पकड़ रखी है, कोई बात नहीं, गुड नाइट। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान, हिसाब दे तेरी।